नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज सातवें दिन भी जारी है। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। वहीं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड को गिरा दिया और कई जगहों पर हंगामा किया। किसानों ने अपनी मांगे मानने तक आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान संगठनों से चिंता वाले खास बिंदुओं को सरकार से साझा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि उन खास बिंदुओं को बताएं जिन पर उन्हें दिक्कत है, सरकार उस पर बात करेगी और उनकी चिंताओं को दूर करेगी। किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि मंत्री को धरना स्थल पर चल रहे लंगर में जलेबी चाय पकौड़े का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया है। किसानों ने कहा कि मंत्री वहीं आकर उनसे बातचीत करें। बता दें कि बैठक के बीच मंत्री ने किसानों से चाय पीने का आग्रह किया था। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का असर ट्रेन सेवाओं पर भी पड़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने अमृतसर और पंजाब के कई प्रमुख स्थलों के बीच चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल और कुछ का रूट डाइवर्ट किया गया है। किसान आंदोलन को खिलाड़ियों ने भी समर्थन दिया है। इनमें पद्मश्री और अर्जुन अवार्डों समेत कई पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हैं। सज्जन सिंह ने कहा है कि किसानों पर बल प्रयोग करना गलत है। इनमें से कई खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड राष्ट्रपति को वापस लौटाना शुरू कर दिए। नए कृषि कानूनों का योग गुरु बाबा रामदेव ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में MSP खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है। PM मोदी किसानों के खिलाफ नीतियां क्यों तैयार करेंगे? वो ना तो कारपोरेट के गुलाम हैं और ना ही उनकी किसानों से कोई दुश्मनी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ा बयान दिया। वीके सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में ऐसे लोगों की तस्वीरें आ रही हैं जो देखने से किसान नहीं लग रहे हैं। इन आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है। केंद्र के नए कृषि कानूनों पर दिल्ली सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। CM केजरीवाल ने कहा कि केंद्र के तीनों कानूनों में से एक को दिल्ली में लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है, जबकि बाकी दो कानूनों पर मंथन चल रहा है। इन पर बाद में फैसला किया जाएगा। भारत पुर्तगाल प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 7 से 9 दिसंबर के बीच डिजिटल मंच पर होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इस सम्मेलन में कई सहमति पत्रों और संधियों पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 60 साल के हो गए हैं। PM मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। नड्डा ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इस बार वे अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया। केंद्रीय व्यापार बोर्ड की आज दिल्ली में बैठक होगी। इसका आयोजन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में होगा। इसमें निर्यात और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए चर्चा होगी। इसके अलावा नई विदेश व्यापार नीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। CM योगी ने आज लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ के बांड की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजाकर लिस्टिंग की। लखनऊ नगर निगम उत्तर भारत का पहला म्यूनिसिपल कारपोरेशन है जिसने इस तरह का बांड जारी किया है। इससे पहले CM ने अक्षय कुमार से मुलाकात की। CM योगी के मुंबई दौरे पर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध जताया है। CM योगी मुंबई में जिस 5 सितारा होटल में ठहरे हैं, मनसे ने उनसे मराठी में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर निशाना साधा गया है। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने फिल्म सिटी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बॉलीवुड का एक टुकड़ा उत्तर प्रदेश ले जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। महाराष्ट्र में जब भाजपा सत्ता में थी तब कई उद्योग गुजरात स्थानांतरित कर दिए गए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीताराम येचुरी के पत्र का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति में आरक्षण नीति कमजोर नहीं होगी। मंत्री ने कहा है कि SC ST OBC दिव्यांग और वंचित समूहों के लिए कार्यक्रम और नीतियां जारी रहेंगी। विपक्ष भ्रम ना फैलाए। पश्चिम बंगाल की सीमा ममता बनर्जी आज ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट को ऑनलाइन संबोधित करेंगी। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला CM होंगी। सूत्रों का कहना है कि CM राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कन्याश्री, रूपाश्री, कृषक बंधु के बारे में बताएंगी। PNB घोटाले में भगोड़े घोषित हीरा व्यापारी नीरव मोदी पर शिकंजा कसता जा रहा है। नीरव के भारत प्रत्यर्पण पर निर्णायक फैसला अगले वर्ष 7 से 8 जनवरी को हो जाएगा। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव की रिमांड 29 दिसंबर तक बढ़ा दी है। निवार के बाद एक बार फिर चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उठे उच्च दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है, जो बुरेवी के रूप में 2 दिसंबर की शाम को श्रीलंका तट से गुजर सकता है। SCO के सदस्य देशों के प्रमुखों की वर्चुअल बैठक को लेकर चीन का बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि इस बैठक में शामिल हुए कई नेता जरूरी मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचे, जो कि दुनिया के लिए एक अच्छा संदेश है।
बिहार की राज्यसभा सीट के लिए एनडीए के प्रत्याशी सुशील मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तार किशोर और रेणु देवी भी मौजूद रहेंगी। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 94,99,000 के पार पहुंच चुका है। इनमें से अब तक 1,38,122 लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 36,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 501 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6,41,00,000 से ज्यादा हो चुका है, जबकि अभी तक 14,85,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अच्छी खबर ये कि कोरोना के शिकार 4,44,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली से नोएडा आने वालों की रैंडम जांच नियमित रूप से जारी है। बुधवार को 83 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 4 लोग संक्रमित पाए गए। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर 672 लोगों का चालान भी काटा गया। नागालैंड सरकार ने राज्य का 98वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने की। मुख्यमंत्री रियो ने इस मौके पर उन सभी नेताओं को याद किया जिन्होंने अपना बलिदान देकर राज्य के निर्माण में योगदान दिया है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और बेटे बिहंग को ईडी ने समन भेजा है। सूत्रों ने बताया कि ईडी को टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और प्रताप के बीच कई संदेहास्पद लेनदेन के सबूत मिले हैं। इससे पहले मामले में ईडी ने 24 नवंबर को प्रताप के ठिकानों पर छापा मारा था। नदी की पनबिजली परियोजना के जवाब में भारत भी अरुणाचल में एक बहुउद्देशीय जलाशय के निर्माण पर विचार कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि 10,000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना पर विचार चल रहा है, जो चीन की जल विद्युत परियोजना के प्रभाव को संतुलित करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम ममता ने कहा है कि केंद्र सरकार देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने में केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही पीएम केयर्स फंड के पैसों पर जानकारी मांगी है। जम्मू कश्मीर में किसी भी नागरिक के जमीन खरीदने की इजाजत के खिलाफ माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अपनी याचिका में उन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने और याचिका पर सुनवाई होने तक आदेश को स्थगित करने की गुहार लगाई है। SBI ने अपने ग्राहकों के लिए नया SBI रुपे कार्ड लॉन्च किया है। SBI ने इस कार्ड को JCB के साथ मिलकर बनाया है, इसलिए इसका नाम SBI रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड रखा गया है। ये दुनिया भर में इस्तेमाल हो सकता है। इंडियन ऑयल ने वर्ल्ड क्लास प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। इस प्रीमियम पेट्रोल का नाम XP100 रखा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस प्रीमियम पेट्रोल को देश के 10 शहरों में देना शुरू किया गया है। ये एवरेज और इंजन के लिए बेहतर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना से 17,00,000 गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके तहत परिवार की एक महिला सदस्य को 830 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार दिसंबर में नहीं बुलाया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। इसका कारण कोरोना संकट बताया गया है। बता दें कि शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक चलने वाला था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को झटका दिया है। अदालत ने अम्फान तूफान के तहत किए गए राहत कार्यों के जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने अनियमितता के आरोपों को लेकर यह आदेश दिया है। इन कार्यों की ऑडिट करेगा। केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की पहल की है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा कि सभी सरकारी वेबसाइटों को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोध केंद्र भारत में हैं। वे इस काम में सरकार की मदद करेंगी। MSP पर अब तक 318,00,000 टन धान की खरीद हो चुकी है। कृषि मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 60,000 करोड़ का भुगतान जारी हो चुका है। धान की खरीद पिछले साल की तुलना में 19% अधिक की गई है। कोलकाता में इंफोसिस सॉफ्टवेयर विकास केंद्र स्थापित करेगी कंपनी ने कहा कि निर्माण कार्य जुलाई 2021 से शुरू होगा। इसे 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने 20 नई IT कंपनियों को 100 एकड़ जमीन देने को मंजूरी दी है। चुनाव आयोग ने विदेशों में रहने वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलेट सुविधा मुहैया कराने की तैयारी कर ली है। आयोग ने कहा कि सर्विस वोटर के मामलों में EDPBS में बड़ी सफलता मिली है। अब ये सुविधा विदेशी मतदाताओं को भी उपलब्ध की जा सकती है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने जल युक्त शिविर योजना की जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। समिति 6 महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। बता दें कि ये योजना फडणवीस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। गृह निर्वाचन आयोग ने कोरोना मरीजों को राहत दी है। नगर निकाय चुनाव के दौरान मरीज डाक से अपना वोट डाल सकेंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की सुविधा शुरू की है। विशेष मतदान अधिकारी और पुलिस अधिकारी मतदाता के पास जाएंगे और मतपत्र देंगे। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने लव जिहाद कानून को गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र में लव जिहाद और गोवध के खिलाफ कानून लाएगी तो कांग्रेस विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि गोवध कानून भाजपा ने गोवा में क्यों नहीं लागू किया।
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सीएम जगनमोहन रेड्डी को बड़ी राहत दी। अदालत ने न्यायपालिका के खिलाफ बयानों को लेकर कार्रवाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि न्यायपालिका पर सिर्फ टिप्पणी करना किसी मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की वजह नहीं हो सकती। अरुणाचल सीएम पेमा खांडू ने इंडिजिनियस फेथ डे कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म और पंथ बराबर हैं। सभी प्रदेशवासियों को शांति सद्भाव पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, इसलिए दिल्ली में आज से पेट्रोल की कीमत 82.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 72.65 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 90 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। खूंटी में आदिवासी बच्ची के साथ हुए घटना को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि सरकारी तंत्र की पोल फिर से खुल गई है, साथ ही ये साबित कर दिया है कि राज्य में दलित और आदिवासी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला के पति की तहरीर पर लव जिहाद का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पूरा गांव के निवासी अक्षय ने आरोप लगाया कि नदीम ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी मुकाबला आज कैनबरा में खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। भारत ने 32 ओवर में 5 विकेट पर 154 रन बना लिए हैं। हार्दिक पांड्या और जडेजा क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय टीम ने अपने प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए हैं। मयंक नवदीप सैनी, समी और युजवेंद्र चहल को बाहर किया गया है। उनकी जगह टी नटराजन, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव को मौका मिला। नटराजन का इंटरनेशनल क्रिकेट में ये डेब्यू मैच है। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। टीम के तेज गेंदबाज कागिसो रवाडा मांसपेशियों में खिंचाव के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। रवाडा के ठीक होने में लगभग 3 सप्ताह का समय लग सकता है। न्यूजीलैंड दौरे पर गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीम के 3 और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ टीम में कुल संक्रमितों की संख्या 10 हो गई है। बता दें कि न्यूजीलैंड का स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।